यह वीडियो जो है, ये चैप्टर सेकंड की सेकंड वीडियो है मैथ के 11th की। पहली वीडियो में हम लोगों ने उदाहरण नंबर 3 तक हल कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग उदाहरण नंबर 4, 5 और 6 को समझेंगे। पहले हम लोग 4 को समझ रहे हैं। एक समुच्चय P दिया है 1, 2, तो समुच्चय P क्रॉस P ज्ञात कीजिए। तो देखिए, P अगर 1, 2 दिया है तो सबसे पहले हम लोग P क्रॉस P निकाल लेंगे। P दिया है 1, 2, तो P क्रॉस P क्या होगा, 1, 2 क्रॉस 1, 2। तो एक समुच्चय का जब दूसरे के साथ हम क्रॉस करते हैं तो क्या मिलता है, क्रमित युग्म मिलता है। तो क्या मिलेगा, पहले इसका पहला और इसका पहला, एक के साथ एक लिया गया, फिर एक के साथ दो लिया गया, फिर दो के साथ एक लिया जाएगा, दो के साथ दो लिया जाएगा, ये 4 क्रमित युग्म प्राप्त होंगे। अब P क्रॉस P क्रॉस P जब निकलेगा तो इसको लिख लेना है, पहले ये चारों आपको लिख लेना, 1, 1, 2, 2, 1, 2, और उसके बाद 1, 2 लिख लेना। अब 1, 1, 1, ये जो पहला क्रमित युग्म है उसके साथ एक लिया जाएगा, 1, 1, 1 हो गया। अब 1, 1, 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरे के साथ 1, 2, 1 हो गया, फिर 1, 2, 2 हो गया, फिर 2, 1, 2, 1, 1 हो गया, देखिए 2, 1, 1 हो गया, फिर 2, 1, 2 हो गया, हो गया, फिर 2, 2, 1 हो गया, फिर 2, 2, 2 हो गया। तो ये कितने जोड़े बने, 8 जोड़े बने। तो ये निकल गया क्या, P क्रॉस P क्रॉस P निकल गया। अब उदाहरण नंबर 5 देखिए, यदि R समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो कार्तीय गुणन R क्रॉस R क्या निरूपित करता। तो देखिए, अगर हम R क्रॉस R लेते हैं, A क्रॉस B लेते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि X, Y होता है, जहाँ पर X क्या होता है, पहले समुच्चय का, और Y दूसरे समुच्चय का होता है। लेकिन जहाँ पर जो कि दोनों एक ही हैं, R क्रॉस R में जो X होगा वो भी R का अवयव होगा, जो Y होगा वो भी R का अवयव होगा। तो R क्रॉस R बराबर होता है X, Y such that X, Y belong to R को निरूपित, मतलब R क्रॉस R को तो ऐसे लिखते हैं, को निरूपित करता है। इसका प्रयोग द्विबिम्ब समष्टि, मतलब जो द्विबिमीय होते हैं, मतलब 2D होता है, द्विबिमीय निर्देशांक होता है, जिसमें जैसे 1, 2 आप लोग लिखते हैं ना किसी बिंदु का निर्देशांक, तो उसी को क्या कहा जाता है, द्विबिमीय समष्टि के बिंदुओं को बिंदुओं के निर्देशांकों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो समझ गए होंगे आप लोग कि R क्रॉस R का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, द्विबिमीय समष्टि के निर्देशांक, बिंदुओं के निर्देशांकों को प्रकट करने, मतलब 2D में हम इसका प्रयोग करते हैं। R क्रॉस R ये होता है X, Y, Z, इसमें 3-3 का पेयर होता है, जैसे अभी आपने देखा P क्रॉस P जो आपने बना देखा था, तो इसमें 3-3 का पेयर बना था, इसमें भी X, Y, Z पेयर होते हैं, लेकिन X, Y, Z जो होता है तीनों किससे बिलोंग करता है, R से बिलोंग करता है, क्योंकि एक ही समुच्चय है, R है। अगर यहाँ पर A क्रॉस B क्रॉस C होता तो X किससे बिलोंग करता, A से, Y B से, और Z C से, लेकिन चूंकि R क्रॉस R, इसलिए X भी R से है, Y भी R से, Z भी R से, तो इसको लिखेंगे X, Y, Z बिलोंग टू R। निरूपित करता इसका प्रयोग त्रिविमीय आकाश के बिंदुओं के निर्देशांकों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, 3D निर्देशांक में होता है, जैसे 3D आप लोग पढ़ेंगे अभी आगे चल के, एक चैप्टर है जिसमें किसी बिंदु को हम किसी बिंदु के निर्देशांक को 3 बिंदुओं से दिखाते हैं। 6वां उदाहरण देख लीजिए, यदि A क्रॉस B बराबर है P, Q, P, R M, Q, M, R तो A और B ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको मैंने हल कर दिया है, इसे आप समझ लीजिए।
जैसे कोई भी क्रमित युग्म होता है तो उसका जो पहला निर्देश, पहला जो अवयव होता है पहले समुच्चय का होता है। इसका पहला अवयव क्या है? पी। इसका पहला अवयव क्या है? पी। इसका पहला अवयव क्या है? यम। इसका पहला अवयव क्या है? यम। यानी जो ये क्रमित युग्म है इनका जो पहला अवयव है वो ए का है। तो पहले में पी मिला और यहाँ पर यम मिला, तो ए बराबर क्या हो गया? पी और यम। अब जो दूसरा अवयव होता है किसका होता है? बी का होता है। तो दूसरे में क्या है? क्यू है, आर है, क्यू है, आर है। यानी अगर देखा जाए तो क्यू और आर दो ही अवयव मिल रहे हैं, तो बी में क्या हो जाएगा? क्यू आर। तो ए बराबर हो गया पी एम, क्यू बराबर, बी बराबर हो गया क्यू आर। तो यहाँ पर भी देखिए उसने ए लिखा है प्रथम घटकों का समुच्चय, पी एम बी द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो प्रथम घटक समझ रहे ना, ए वाला प्रथम घटक, ये वाला प्रथम घटक, ये वाला मतलब क्रमित युग्म का जो पहला अवयव है वो तो प्रथम घटक, दूसरा अवयव द्वितीय घटक। तो बी क्या होता है? द्वितीय घटकों का समुच्चय होता है। तो मुझे विश्वास है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। आप लोग प्रयास करिएगा।